सो हेलो सार्क्स, कभी ना कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय आपके सामने निब्बा निब्बियों की कॉन्सेप्चुअल वीडियो जरूर आती होगी, जहां पर वो पानी पी रहा है वही पानी वो पी रहा है लेकिन वो मर रहा है वो नहीं, या कुछ ऐसा वो उसको मार रहा है वो उसको मार रहा है लेकिन क्यों मार रहा है पता नहीं। बहुत ही डीप मीनिंग होती है, ऐसा नहीं होता ये मीनिंगलेस होती या इलॉजिकल होती, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही ज्यादा साक्ष डीप मीनिंग इसमें होती है। और इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको भी एक टिकटॉकर या रील्सर बनना होगा, जो बहुत ही खतरनाक है, उतना ही खतरनाक जितना आप टोनी कक्कर के गाने रिपीट में कंटिन्यूअसली 420 बार सुन। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इतना खतरनाक है कि आप सिगरेट पीते हुए अपने पापा से पकड़े जाए, पप्पू पनवाड़ी के। जैसा कि सार्क आप देख सकते हो इस वीडियो में, ये दोनों बंदा बंदी खेत से आ रहे हैं कच्चा बादाम करके। व्हाट डू यू मीन कच्चा बादाम, यू नो वेरी वेल। अचानक से इसका पुराना आशिक आ जाता है जो इसको बोलता है आ जा तुझे ले चलो बुर्ज खलीफा। और फिर इस कच्चा बादाम वाले को रियलाइज होता है कि इसको कच्चा बादाम में इंटरेस्ट नहीं है, इसको बुर्ज खलीफा में इंटरेस्ट है, इसलिए वो हमारे निब्बी को एक जड़ देता है। अब जैसे बुर्ज खलीफा वाले निब्बे को पता चलता है कि इसको कच्चा बादाम में इंटरेस्ट नहीं, इसको बुर्ज खलीफा में इंटरेस्ट, इससे बात से उसके अंदर आ जाती है कॉन्फिडेंस, देन वो भी एक जड़ देता है कच्चा बादाम वाले को। अब विदाउट एनी रीजन हमारी निब्बे बुर्ज खलीफा वाले को लपेट देती है। अब क्यों लपेटती है इसका आंसर मेरे पास साक्ष क्या नासा वालों के पास भी नहीं है, और साक्ष असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। फिर हमारा कच्चा बादाम वाला विदाउट एनी रीजन लपेट देता है हमारी निब्बी दीदी, और ऑब्वियसली इसका आंसर नासा इसरो किसी के पास नहीं। और साक्ष फिर अचानक एंट्री होती है, यहाँ पर हमारे दिल टूटेगा तो तन्नो पता लगेगा वाले आसिक, वो फिर इस कच्चा बादाम वाले को लपेट देता है क्योंकि ऑब्वियसली वो कच्चा बादाम वाले को समझाना चाहता है कि दिल तेरा टूटेगा तो पता लगेगा। तो साक्ष यहाँ पर एंट्री होती है हमारे गोल्ड डिगर निब्बी दीदी के 2 साल पुराने वाली आसिक, जिसको इन्होंने ये कहकर रिजेक्ट किया था जिन्ना मर्जी प्यार ले पहले जगो वार ले। तो साक्ष फाइनली 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इसने ले ली एक ऑटो जिसका नाम इसने जगुआर रख दिया। तो यहाँ पर हमारी निब्बी दीदी भी बहुत एडजस्टिंग है, सो उन्होंने भी थोड़ा कहा चलो भाई दया खा लेते हैं इसके ऊपर, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो फाइनली दीदी इसके साथ भाग जाती है। तो साथ से इस ग्लोबल प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ माय चैनल सचिन सेठ, जहाँ पर आप एक सब्सक्राइब करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो सचिन देखिए, आई एम फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, तो जैसा कि मेरी इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, सो मुझे लगता है कि मैं आपकी इससे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट विज ऑल द बेस्ट। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, तो कैसे हो आप चैगली व्यवस्थित, तुम लोग मस्ते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम के डिजास्टर लव स्टोरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो के बारे में। वेल डन, हां वही इंस्टाग्राम के निप्पा निप्पी जिनके वीडियो इतने ज्यादा लॉजिकल होते हैं, इतने ज्यादा लॉजिकल होते हैं कि हिम्मत बढ़ाना भी विमल खाने पे मजबूर हो जाता है। और इनके 15 सेकंड की वीडियो में इतना ज्यादा डीप मीनिंग होता है, इतना ज्यादा डीप मीनिंग होता है और इतना लॉजिकल डीप मीनिंग होता है कि भाई इंडियन सोर्स वाले भी अब इन्हीं से स्टोरी लिखवाने लगे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओ भाई दीदी की एक बार शकल देखो, नहीं दीदी का शकल छिपकली वाली लेकिन कतई एटीट्यूड, हाय हाय हाय, इन शॉर्ट कहे तो दीदी की शकल भोजपुरी वाली है लेकिन एटीट्यूड इनका हॉलीवुड में चल रहा है। और ये हाथों से गोली मारने वाला लॉजिक यार तुम लोग कब खत्म करोगे? नहीं नहीं, यही टेक्नोलॉजी तो भाई यूक्रेन को चाहिए रशिया से जीतने के लिए। ओ शादी कर रही हो मेरे के साथ। अरे हाय, जिस उम्र में लेफ्ट चप्पल कौन से पैर में पहननी है, राइट चप्पल कौन से पैर में पहननी है, इनको ये तक नहीं पता होगा उस उम्र में भाई शादी विवाह की बातें किए जा रहे हैं। थैंक यू, हेलो हेलो हरिधर, हेलो हरिधर, हेलो पागे लगती है, तुम मुझसे वादा करो मेरे जाने के बाद तुम किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखोगे। ओ तेरे ये क्या बवासीर है भाई, रुक जाओ थोड़ा पानी पी लेने दो, क्योंकि एक सांस में गालियां देने के लिए यार बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। A few minutes later. नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा भाई, यही असली लव होता है, यही तो असली लव है। तुम देख रहे हो कितना लवफुल डीप मीनिंग कॉन्सेप्ट है। हमारे निब्बा को बवासीर का भयानक अटैक पड़ा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन ना 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 भाई, उसने वादा ले रखा था हमारे निब्बी से, तुम मुझसे वादा करो मेरे जाने के बाद तुम किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखोगे। नहीं इससे अच्छा तू ये प्रॉमिस ले लेता कि मेरे मरने के बाद तुम इंस्टाग्राम पे हगना बंद कर दोगी, के भलाई में जब वीरों का नाम लिखा जाता उसमें तेरा भी नाम होता भाई, कम से कम तू ये वादा ले लेता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। कब तेरी खुशबू, कब तेरी बातें, दिल मांगे ये जहां।
शाबाश, यही देखना बाकी रह गया था। दीदी के लिए 69 तालियां। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कम ज्यादा नहीं, दीदी के लिए पूरे के पूरे 69 तालियां हम लोग एक साथ लगातार बजाएंगे बिना रुके। ये देखने के बाद 30-30 साल पढ़कर सर्जन बनने वाले हमारे डॉक्टर भाई अपनी डिग्री जला दिए और फैसला किया कि आज से हम भी टिकटॉकर बनेंगे। मोदी जी की डिजिटल इंडिया वाली बात को इस बंदी ने मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। इतना भी सीरियस नहीं लेना था दीदी कि तुम्हारे लिए 69 तालियां बच जाए। बात तो सही है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ लव रिलेटेड डीप मीनिंग कॉन्सेप्ट वाले वीडियो बनाते हैं, ना 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 भाई, हॉरर वालों को भी वंशम वाली खीर खाने पे मजबूर करने वाले है। डर के अंदर से इतनी डरावनी डरावनी आवाजें क्यों आती है? ए फर्दीन इधर आ। हाँ बोलो भैया। बेटा गलती से भी उस खंडर के अंदर जाना मत, वहाँ खतरा है। आज तो इस खंडर में जाके देखता हूँ इसमें है क्या। अरे ये हुई ना बात, हम जानते थे यार हमारा खत्म शरीर वहाँ जरूर जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली मना किया गया है, तो जाएगा यार, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। अरे यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है। देखो यार मुझे भूत का तो पता नहीं, लेकिन इसकी शक्ल से 10 दिन से टट्टी रोकने वाला डेस्परेटेड बंदा जरूर लग रहा है। कौन है कौन है? ये दानिश फरदीन को कहाँ लेके जा रही है? दानिश फरदीन को कहाँ लेके जा रही है? अरे यार भाई इसको अस्पताल लेके जा रही हूँ, कल से ही पागल पागल हरकतें कर रही है। ना 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 भाई, अस्पताल से कुछ नहीं होगा, इसको पागल खाने ले जाओ यार जल्दी से जल्दी। इसको अस्पताल ले जाने से कोई मतलब नहीं है, ये कल पुराने खंडर के वहाँ घूम रहा था। यार बेजान अपने को पुराने खंडर के पास चलना पड़ेगा, वही फरदीन का इलाज है। ओहो हाँ, इसी पोजीशन में तो भूत बैठते हैं भाई। ये किस एंगल से तुम्हें डरावना लग रहा है? मुझे डरावना कम, मैन होल साफ करने वाला ज्यादा लग रहा है। तो कोई भी हो मेरे भाई को माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई। जा, मैंने तुझे माफ किया, आइंदा इधर मत आना। हॉरर के नाम पे ये कर रहा था, इससे अच्छा तो हमारी आंटियां योगा करते हुए कर लेती है। रहे साथ अधूरा पन, चाहे न जाने न हो, कहीं सब्र मुझे आता है। ओहो, दुनिया की कौन सी कोने में ऐसे बहन की प्रजाति पाई जाती है यार, मुझे पता दो। डिस्क्लेमर, अगर इस रील को तुम रियल लाइफ में ट्राई करने का सोच भी रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। अगर रियल लाइफ में तुम्हारी बहन को गलती से भी पता चल गया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, देन ऑब्वियसली यू नो व्हाट विल हैपन, एंड देन दिस न्यूज विल गो थ्रू योर डैड, एंड आफ्टर दिस बताने की जरूरत नहीं है यार, बहुत कूटे जाओगे। हाँ बोल छोटू, तुम्हें एक लड़की के साथ गार्डन में जाते हुए देखा था, वो लगते किस कर रहे हो लोग। अरे कुछ भी मजाक मत कर रहे, फोटो। हेलो, हाँ बेबी किधर हो? हाँ मैं मीटिंग में हूँ, मैं बाद में कॉल कर लूँगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो के कॉन्सेप्ट को बाद में बजाएंगे भाई, पहले ये लॉजिक मुझे समझा कि अगर लड़की किस करे तो देन समझ में आता है कि उसके लिप्स का मार्क्स भाई पड़ गया तुम्हारे नेक पे क्योंकि लिपस्टिक यूज करती है, लेकिन जब एक लड़का किस करता है तो भाई उस लड़की के गले पे लिपस्टिक का निशान क्या? ओहो, कैसे भूल गया यार कि दे आर टिकटॉकर, दे कैन डू एनीथिंग। लॉजिक हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल भी जिंदा है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑब्वियसली यार कर रखा होगा, नहीं किया हो तो कर लो, और कमेंट कर दो यार नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक पे चाहते हो, और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, सो तुम वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पर तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।